हाँ जी नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। पेश है मुख्य समाचार दो पर फटाफट। इससे पहले आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे समय समय पर समाचार आपसे मिल आपको प्राप्त होते रहें। अमेठी में स्मृति ईरानी के करीबी रहे बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल 4.8 आंकी गई है। फिल्म निर्देशक महेश भट्ट ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, ऐसे बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। नरेंद्र मोदी ने हिंदू राष्ट्रवादियों के विचारों को बढ़ावा दिया है और यह दूसरे कार्यकाल में और अधिक मजबूत होगा। खबर आई है हरियाणा से। हरियाणा के सोनीपत के गोहाना वार्ड नंबर एक में एक महिला और एक पुरुष ने फांसी लगाकर जान दे दी है। महिला का नाम प्रीति है और पुरुष का नाम विक्रम है। दोनों भाभी और देवर हैं। मानसिक प्रॉब्लम के चलते उन्होंने अपनी फांसी लगा ली है। तो एक खबर आई है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए तमिलनाडु में ज़मीन खरीदेंगे मुकेश अंबानी। पूजा के लिए वहां होगी चंदन की खेती। सीएम योगी का कहना है, आदित्यनाथ ने कहा है कि यह जनादेश जातिवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। पाकिस्तान से खबर आई है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने कहा है कि वह भारत की नई सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी के करीबी आईपीएस राजीव कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, नहीं भाग पाएंगे विदेश। मैसकूमर सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जीत के बाद 27 मई को काशी पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। नरेंद्र विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद गंगा आरती में शामिल होंगे। दिल्ली आकर पीएम मोदी से मिले वाईएसआरसीपी चीफ जगमोहन रेड्डी। संसद में पहले दिन रवि किशन ने सनी देओल के साथ ली सेल्फी, कर बैठे ये गलती। अमरिंदर सिंह ने, पंजाब ऐसा राज्य है जिसमें अमरिंदर सिंह ने मोदी लहर को से कुछ थोड़ा बहुत बचाया है। तो हमारे ये थे हमारे दोपहर के समाचार। अब अपनी राय नेगेटिव या पॉजिटिव जरूर दें। धन्यवाद।